हाँ बिल्कुल, अगर कोई संजीदा कोई चीज है ये बताएं, जानी करीम साहब ने आपसे रابطہ किया तो इस पे फिर सर जानी करीम ने आपसे रابطہ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अगर बात करनी है तो की जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? अभी क्या मुज़ाकरात है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो है ना, आप क्या क्या मुज़ाकरात? लेकिन सर मुल्क में तो गिर ना जाए, गिर ना जाए, आगे टूट जाएगी भाई। सर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है मुज़ाकरात शहबाज शरीफ साहब से होने चाहिए, क्यों नहीं हो रहे? ये सियासी बात क्यों? कौन बात करेंगे ना? इसके अलावा सर सियासत पे क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो मुल्क को चाहिए कि बातचीत से मुश्किलात डाल लो। जनाब आज असद कैसर साहब की और ज़ेब साहब मिने हैं चरसदा की पीटीआई के, इनकी हियरिंग थी सिपरा साहब की अदालत में संगजानी केस में, जो एक बेबुनियाद पर्चा दर्ज किया है। आज ही असद कैसर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हियरिंग थी, और अभी हमने यहाँ से फिर एटीसी कोर्ट भी जाना है, वहाँ पे भी असद कैसर साहब की हाज़िरी है, ज़ेब साहब की हाज़िरी वहाँ चरसदा की अदालतों में, वहाँ उन पर भी दो एटीसी के मुकदमात दर्ज हुए हैं। चूंकि अब सारे मुकदमात अदालतों में हैं, और ये हमने एडवाइज़ किया है कि अदालतों के हवाले से अगर सवालात जवाबात हो तो वो हम आंसर किया करेंगे, ताकि वो प्रोसीडिंग जो है इससे मुतासर ना हो। आप सब देख रहे हैं आज अदालत में जो कार्रवाई हुई, जज साहब ने 5 दिन की तारीख दी है, और उन्होंने कहा जी कि मैं लंबे तवारीख की रिवायत नहीं डालना चाहता हूँ, जिस पर गुजारिश की हमने कि जी ये रिवायत ही भी नहीं थी कि दिन में 3-3 FIR होते थे, तो लिहाजा ये सारे PTI की क़यादत भुगत रही है, और इंशाल्लाह इस्तेकामत के साथ सब खड़े हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने पार्टियों का एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर छोड़ा? पुराने सवाल, नया सवाल ले। नहीं फिर भी ना, कोई पुराने सवाल का जवाब दे दे। एक सवाल का एक दफा जवाब, बल्कि एक मुतअद्दिद बार जवाब, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब हो चुका था। लेकिन अभी कोई दबाव है बाकी? ये दबाव ये है कि रोज अदालत में खड़े होते हैं, कभी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर, यही चक्कर लगाते रहते हैं। मेरे ख्याल में मुझे अडियाला से आए हुए कितने हुए होंगे दिन, वर्किंग डेज जो हैं 7-8 हुए होंगे, तो मेरे ख्याल में 8 से ज़्यादा अदालतों के मैं चक्कर लगा चुका हूँ। ये फैसल वाडा साहब किसके लिए काम कर रहे हैं? नो आईडिया, फैसल वाडा को पता होगा। नहीं बड़े पेश पेशान धमकियाँ भी देते हैं लोगों को, जमात को भी, तो किसके लिए आप कर रहे हैं? असल बताया गया यार वो क्या सुन तो वादा में मरना तो क्या